Assalamualaikum everyone. ओके आज हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक करना है रेस्पिरेटरी डिजीज़ के जो दो पैटर्न्स होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रक्टिव. आप लोगों ने शायद इसका अभी तक नाम सुना होगा बट वील गो इन अ लिटिल डिटेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई एन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज इज ऑब्स्ट्रक्टिव एंड व्हाई रिस्ट्रक्टिव वन इज रिस्ट्रक्टिव. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग जैसे कि हम हर लेक्चर में तकरीबन करते हैं. पहली बात तो यह है कि हम लंग वॉल्यूम्स के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. सो ये आपकी फिजियोलॉजी का नॉलेज है. सो आपको वाइटल कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं. पहले तो ये आपको एक डायग्राम दिखाई जा रही है जो आपका सिंपल नॉलेज आसान करे समझना. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड इन मोर डिटेल. सबसे पहली बात ये है कि व्हाट इज़ टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल कैपेसिटी पूरे लंग का टोटल वॉल्यूम है. यानी कि जब आप फुल इंस्पिरेशन करें मैक्सिमम इंस्पिरेशन नॉर्मल इंस्पिरेशन है ना आप सांस ज़ोर से नहीं ले रहे अंदर या बाहर ठीक है वो नॉर्मल इंस्पिरेशन है. मैक्सिमम इंस्पिरेशन का मतलब है कि आप फुल ज़ोर से जितना सांस हवा अंदर लेके जा सकते हैं सांस के साथ उतनी आप लेके जा रहे हैं ठीक है. तो मैक्सिमल इंस्पिरेशन के एंड पे जितनी हवा जितना सारा वॉल्यूम हवा का लंग के अंदर आ सकता है मैक्सिमम दैट इज़ द टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो सारा कुछ मिला के जितनी हवा आपके लंग के अंदर आ सकती है दैट इज़ टोटल लंग कैपेसिटी ठीक हो गया. देन वी हैव इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जिसे आप जो ब्रेस्ट पे इंस्पिरेट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा जब आप ज़ोर से सांस लें तो जितना आप सांस अंदर ले सकते हैं दैट इज़ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक है. ये ब्रेस्ट का है. ये जो टाइडल वॉल्यूम होता है ना ये नॉर्मली रेस्ट का वॉल्यूम है. ये जो टाइडल वॉल्यूम है जो रेस्ट पे आप ब्रीदिंग कर रहे हैं दिस इज़ रेस्ट वाला ठीक है. लेकिन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब आप रेस्ट से थोड़ा सा इसको ज़्यादा अंदर की तरफ सांस लेते हैं दैट इज़ दैट पार्ट दैट कैन बी इंस्पायर्ड बियॉन्ड अ रेस्ट फुल इंस्पिरेशन दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मल ब्रेथ है जो रेस्ट पे ले रहे हैं. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी है. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो वॉल्यूम है एयर का जो लंग्स में रह जाए जब आप एक टाइडल ब्रेथ निकाल दें. नॉर्मल टाइडल ब्रेथ के बाद भी देर इज सम पार्ट ऑफ एयर दैट इज लेफ्ट इन द लंग्स दैट लेफ्ट पार्ट इन द लंग्स इज रेजिडुअल पार्ट. सो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी टोटल वो पार्ट जो नॉर्मल सांस के बाद लंग्स के अंदर रहे. इसी से मिलता जुलता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम है. रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो लंग के अंदर है लेकिन उसके अंदर आपने एक चीज़ और ऐड की है वो ये कि मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बाद जो पार्ट आपके लंग्स के अंदर रहे हवा का दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम. सो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम में क्या फ़र्क है कि नॉर्मल सांस के बाद जो रह रही है एयर लंग के अंदर दैट इज़ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. लेकिन अगर आप उसके अंदर फुल ज़ोर से सांस निकाल लें मतलब एक्सपिरेट कर दें पहले एक फुल ज़ोर से अंदर सांस लेना है फुल ज़ोर से बाहर सांस लेना है. फुल ज़ोर से बाहर सांस निकाला तो फिर जो पार्ट बाकी बचता है फिर भी लंग्स के अंदर कुछ हवा बच जाती है दैट इज़ नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम ठीक है. सो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बिल्कुल इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जैसा है सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो है जिस जो सांस बाहर लेते जाते वक्त मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद होता है मैक्सिमम इंस्पिरेशन से पहले होता है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब मैक्सिमम एक्सपिरेशन आप कर दें जो मतलब जितना मैक्सिमम इंस्पायर कर सकें जितना मैक्सिमम एक्सपायर कर सकें ठीक है. जितना इंस्पिरेट कर सकें जितना एक्सपिरेट कर सकें सॉरी. तो इंस्पिरेशन जितनी हो सके मैक्सिमम दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. जितना एक्सपिरेशन हो सके मैक्सिमम दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ठीक है. इसके बाद रह गई बात इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की. सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो टाइडल वॉल्यूम वाली जो नॉर्मल सिंगल ब्रेथ के अंदर जो इंस्पिरेशन है प्लस
जितना आप और इंस्पायर कर सकते हैं, विच इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली क्या कहते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. ठीक है, सो ये चीजें थोड़ी आपको समझ आ गई होंगी आई होप. टाइडल वॉल्यूम से शुरू करनी है आपने बात, कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, फिर इंस्पिरेशन कितनी हो सकती है एक्स्ट्रा, एक्सपिरेशन कितनी हो सकती है एक्स्ट्रा, और उस एक्स्ट्रा एक्सपिरेशन के बाद कितनी हवा और बचती है लंग्स के अंदर, वो दोनों मिला के फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी. वाइटल कैपेसिटी जो है वो बेसिकली जितनी वॉल्यूम आप सिंगल ब्रेथ के अंदर मैक्सिमम इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन मिला के जितना आप कर सकते हैं, दैट इज वाइटल कैपेसिटी. ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ें थोड़ी सी इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अब हमने रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के पैटर्न को समझ लें. इसके अलावा और भी वॉल्यूम्स हैं, एक है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी. नाउ व्हाट इज फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, एक सिंपल वाइटल कैपेसिटी तो समझ आ गई है ना, कि टोटल मैक्सिमम इंस्पिरेशन मैक्सिमम एक्सपिरेशन को मिला के जितनी हवा आप अंदर बाहर लेके जा सकते हैं, दैट इज फंक्शन रेजिडुअल वाइटल कैपेसिटी. लेकिन फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी ब्लोन आउट आफ्टर फुल इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन के होने के बाद जितनी आप फुल इंस्पिरेशन होने के बाद जितनी जितना एयर आप बाहर निकाल सकते हैं, विच इज मेजर्ड इन लीटर्स, दैट इज नोन एज फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी. फिर फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकेंड, FEV1, ये वो वॉल्यूम ऑफ एयर है जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी के फर्स्ट सेकेंड के अंदर अंदर होता है. फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी बेसिकली क्या है, the volume that can be blown out. तो ये कौन सा volume बनेगा that can be blown out, ये कौन सा volume होगा जो blown out कर सकते हैं, expiratory. ठीक है ना, so expiration जितनी हो सके full inspiration के बाद, that is forced vital capacity. ठीक है, forced expiratory volume उस forced vital capacity के first second के अंदर FEV1 होता है. अब ये चीज़ें क्यों important हैं, because हम इनके through calculate करते हैं कि बंदे को ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो रहा है या रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो रहा है. सो ये इन एक तो ये अलग अलग मेयर की जाती है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी और फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम. इसको लंग वॉल्यूम फंक्शन टेस्ट कहते हैं या लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं LFTs, या इनको स्पायरोमीटरी भी कहते हैं क्योंकि स्पायरोमीटर के थ्रू मेयर की जाती है. सो FEV1 और FVC अलग अलग मेयर भी होती है, इनकी रेशियो भी मेयर की जाती है, विच इज़ FEV1 और FVC, जिसे FEV1 परसेंटेज कहते हैं. मतलब फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन वन सेकंड डिवाइड बाय फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी. हेल्दी एडल्ट्स में ये 75-80% तक होनी चाहिए, 80% या 75%. लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज में FEV1 कम हो जाती है, यानी कि एक्सपिरेशन नहीं हो रही होती. क्यों? क्योंकि देर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन या रेजिस्टेंस टू एक्सपिरेटरी फ्लो, एक्सपिरेशन नहीं हो पा रही, हवा बाहर नहीं निकल रही, तो FEV1 डिक्रीज हो जाएगी. जितना एक सेकंड के अंदर हवा बाहर निकलनी थी उतनी नहीं निकल सकती, और FVC इंक्रीज हो जाती है. वो इंक्रीज क्यों होती है, वो इसलिए इंक्रीज होती है कि ओवरऑल लंग के अंदर हवा जाने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है. इसलिए क्योंकि लंग के अंदर जो छोटी छोटी वॉल्स होती हैं एल्वियोलाई वगैरह की, वो मिसाल के तौर पर डैमेज हो चुकी होती हैं या लंग डैमेज हो चुका होता है, तो खाली हो चुका होता है अंदर से लंग. जो खाली लंग है उसके अंदर हवा ज़्यादा जा सकती है, तो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होती है. तो अगर फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज होगी, FEV1 डिक्रीज होगा, तो FEV1 और FVC टोटल जो है वो पूरी डिक्रीज होगी. डिनोमिनेटर इंक्रीज हो रहा है, न्यूमरेटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो FEV1 और FVC डिक्रीज हो रही है. ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में FEV1 डिक्रीज होगी, FVC इंक्रीज होगा, और FEV1 और FVC पूरी जो है वो डिक्रीज होगी. तो 80% से कम होगी, तकरीबन 45% तक चली जाती है. लेकिन 80% से कम होना शुरू हो तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज बन जाता है. रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में कौन कौन से आते हैं, एजमा, COPD, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फिजीमा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब आगे जाता हूँ. जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज हैं, जैसे कि उसके अंदर पल्मोनरी फाइब्रोसिस आ जाता है, जिसके अंदर फाइब्रोसिस या फाइबर जो है वो मतलब स्कारिंग होनी शुरू हो जाती है, फाइबर आके वहाँ पर जमा होने शुरू हो जाते हैं. उन डिजीज में FEV1 और FVC दोनों रिड्यूस हो जाती हैं और बराबर रिड्यूस होती हैं, और इस बराबर रिड्यूस होने की वजह से जो रेशियो है वो नॉर्मल रहती है, कभी कभार इंक्रीज हो जाती है. इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि लंग कंप्लायंस डिक्रीज हो रही होती है. नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लंग कंप्लायंस, लंग कंप्लायंस बेसिकली
इज द एबिलिटी ऑफ द लंग टू स्ट्रेच, जब हवा उसके अंदर जा रही है या बाहर जा रही है, एबिलिटी टू स्ट्रेच जो है वो रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेज में कम हो जाती है, बिकॉज फाइब्रोसिस हुआ हुआ है, वो करीब करीब जुड़ रहा है सारा, स्कारिंग हुई हुई है, लंग जो फूल ही नहीं पा रहा, यस यू नो इलास्टिसिटी उसकी कम होगी, तो उसकी कंप्लायंस कम होगी, जब कंप्लायंस कम हो गई तो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी भी कम होगी, मतलब जब उसके अंदर जब जगह ही नहीं अंदर, तो हवा कहाँ से जाएगी उसके अंदर, फुल इंस्पिरेशन के बाद, मतलब फुल इंस्पिरेशन तक बाद ही नहीं जाएगी, तो एफ वी सी भी जो है वो कम है, ठीक है, और एफ ई वी वन वैसे ही कम है, ठीक है। एफ ई वी वन क्यों कम होती है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में, क्योंकि आपका लंग इतना छोटा हो रहा होता है या इतनी उसके अंदर स्कारिंग हो चुकी होती है कि आप उसके अंदर से जो आपने एक्सपिरेट करना है वॉल्यूम ऑफ एयर, यू कैन नॉट एक्सपिरेट इट इन 1 सेकेंड, जो नॉर्मली हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें लंग कंप्लायंस डिक्रीज होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में इंक्रीज होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में इंक्रीज कैसे होती है, इंक्रीज ऐसे होती है कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज के अंदर हवा जो है वो लंग्स के अंदर ट्रैप हो रही होती है, जो हवा अंदर ट्रैप हो रही होती है तो जो कंप्लायंस का काम है, कंप्लायंस उस वक्त जो है वो डिक्रीज होती है जब जो टिश्यूज जिन्होंने स्ट्रेच करना है उन टिश्यू वो टिश्यू स्ट्रेच ना हो पा रहे हो, ठीक है। और जब वो टिश्यूज, एक तो उस वक्त डिक्रीज हो रही है, जब वो टिश्यूज जो स्ट्रेच होने वाले हैं वो टिश्यूज के खिलाफ जो काम करना है या उन टिश्यूज ने जो फोर्स प्रोड्यूस करनी है, वो टिश्यूज ही डैमेज हो चुके हुए हैं, वो खत्म हो गए, वहाँ पे फुल खाली जगह आ चुकी हुई है, जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में आते हैं, तो वो कंप्लायंस का काम ही नहीं करना पड़ता, तो कंप्लायंस इज ऑलरेडी इंक्रीज, यू नो यू गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि जिन टिश्यूज ने स्ट्रेच करना है उन्होंने कंप्लायंस बनानी है, अगर वो टिश्यूज स्ट्रेच नहीं हो सकते, यानी कि वो फाइब्रोसिस हुआ हुआ है, तो वो डिक्रीज हो रही है कंप्लायंस, लेकिन अगर वो टिश्यूज ही नहीं है जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में है, मतलब तो वो टूट जाता है पार्ट, ख़त्म हो जाता है, तो खाली जगह आ जाती है, अगर वो है ही नहीं तो कंप्लायंस इस वजह से इंक्रीज हुई होती है, क्योंकि वो यू डू नॉट हैव टू वर्क फॉर कंप्लायंस, ठीक है। यू कैन नॉट वर्क, द टिश्यूज कैन नॉट वर्क, एंड देर आर नो टिश्यूज टू वर्क, देर इज दिस स्लाइट डिफरेंस, आ जाएगी समझ, अगर अगर नहीं समझ आएगी दोबारा मैं बता दूंगा। अच्छा, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या हो रहा है फिर, सो ये इस फ्लो वॉल्यूम कर्व को आप अच्छी तरीके से देख लो, ये जो कर्व है ये नॉर्मली इस तरह से होता है, लेकिन मतलब अगर ये छोटा हो या बड़ा हो तो उससे आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो रहा है या ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज हो रहा है। तो कई दफ़ा आपको खाली ग्राफ की पिक्चर्स दिखा के भी पूछा जा सकता है कि ये पैटर्न ऑब्स्ट्रक्टिव है या रिस्ट्रिक्टिव है, बट प्रॉबली आई विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल फॉर यू गाइस। एनीवे, सो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, एक्सपिरेशन में रिस्ट्रिक्शन लग रही है, एफ ई वी वन कम, ये रेशियो भी कम, कंप्लायंस और इलास्टिसिटी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आप अंदर अंदर हवा ज़्यादा जा सकती है, ठीक है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आता है, जिसके अंदर ब्रोंकिलाइटिस एक बीमारी, एजमा आता है, एम्फिजीमा आता है, ब्रोंकाइटिस आता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। सो नॉर्मल अगर आप फ्लो वॉल्यूम का देखो तो ये है एक्सपिरेशन का और इंस्पिरेशन का, लेकिन अगर आप एजमा में देखो तो वो कम हो रहा है, एफ ई वी वन सी भी कम हो रही है और एफ वी सी भी टोटल कम हो रही है, ठीक है, सी ओ पी डी में भी कम हो रही है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में थोड़ा ज़्यादा हो रहा होगा, एक पार्ट नॉर्मल हो रहा होगा और एक पार्ट कम हो रहा होगा। सो ये बीमारियाँ जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की हैं ये हैं कौन कौन सी, एक तो बेटा इसके अंदर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आ जाता है, एक ब्रोंकियेक्टेसिस आ जाता है, एक एजमा और एक एम्फिजीमा। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में बहुत ज़्यादा स्पूटम वाली कफ होती है और टोबैको स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग की वजह से और एयर पोल्यूशन की वजह से ये होता है, और इसमें म्यूकस ग्लैंड्स का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, वो बड़े हो जाते हैं और वो सीक्रेट भी ज़्यादा करते हैं, तो बलगम जो है वो ज़्यादा बनती है और बलगम वाली खांसी होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में बहुत ज़्यादा, और बड़े अरसे से होती है इंसान को, बड़ी देर चलती है, दो दो तीन तीन साल तक चलती है, मतलब 2-3 साल तक हो तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस उसे कहते हैं। अच्छा, फिर ब्रोंकियेक्टेसिस क्या है, ब्रोंकियेक्टेसिस में क्या होता है कि एक तो उसकी जो बार बार उसको इन्फेक्शन हो रहा होता है, इन्फेक्शन हो के वो जो उसकी एयर वे है वो फूल चुके होते हैं, डायलेट कर चुके होते हैं और उसके अंदर स्कारिंग हो चुकी होती है, ठीक है, और इसमें फिर बार बार उसको फीवर रहता है, बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से, और सीवियर स्पूटम होती है, बहुत ज़्यादा बलगम होती है, और फिर खांसी के अंदर जो है वो पस वाला मटेरियल बाहर आता है।
एस्मा में क्या होता है, एस्मा में आपको पता है कि इम्यून मीडिएटेड एलर्जी की वजह से स्मूथ मसल जो है वो उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है और इन्फ्लेमेशन होती है, और एयरवेज जो है वो रिस्ट्रिक्शन होती है, और इसके अंदर एपिसोडिक वीजिंग होती है। बार बार बंदा थोड़ी थोड़ी देर बाद वीज करता है। वीज का मतलब यह है कि मुश्किल से सांस लेना, जिसके अंदर जब एक्सपिरेट कर रहा होता है तो अंदर से हल्की हल्की सी सीटी की आवाज़ आती है, ठीक है, विस्लिंग वॉइस आती है हल्की हल्की सी, नॉट एग्जैक्टली विस्लिंग बट क्लोज टू इट। और फिर ऑब्वियसली डिस्निया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। एम्फाइसीमा में क्या होता है, एम्फाइसीमा में बेसिकली ये अगेन स्मोकिंग वगैरह या जेनेटिक कॉजेज की वजह से एल्वियोलर वॉल या जी एल्वियोलाई जो होती है उनकी जो वॉल्स होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं। जब वो टूटती हैं तो एयर स्पेस इनलार्ज हो जाता है, मतलब वो जो एक एल्वियोलर सैक था जिसके अंदर काफ़ी सारे एल्वियोलाई थे, जब उन एल्वियोलाई की वॉल्स टूट गई तो वो जो एरिया जो कि छोटे छोटे खानों में डिवाइड हुआ हुआ था, विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, वो खाना अब एक बड़ा सारा खाना बन गया। तो एयर स्पेस जो है वो इनलार्ज हो जाती है, लेकिन इन इन रियलिटी देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर वॉल्स। अच्छा, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में एक्सपेंशन रिस्ट्रिक्ट हो जाती है लंग की, तो एक्सपेंशन रिस्ट्रिक्ट हुई तो कंप्लायंस इलास्टिसिटी कम, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों रिस्ट्रिक्ट, एफ वी वन कम एफ वी सी दोनों कम, प्रोपोर्शनली जब दोनों कम होती हैं तो एफ वी वन और एफ वी सी जो है वो नॉर्मल होती है। अच्छा, तो फिर इसके अलावा रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज कौन कौन से होते हैं, इंटरस्टिशियल डिजीज यानी कि निमोनिया वगैरह, फाइब्रोसिस जो हमने अभी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज में पढ़ा था, एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस, और फिर ब्रीदिंग रिस्ट्रिक्शंस जो कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज की वजह, मतलब बाहर से कोई फ्रैक्चर हुआ, कोई डिफॉर्मिटी हुई रिब केज की या न्यूमोथोरेक्स वगैरह हुआ तो उसकी वजह से, और प्लूरा के डिजीजेस जो लंग को एक्सपैंड नहीं करने देंगे। तो साइंस क्या होंगे, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ऑक्सीजन लेवल लो, और कोर पल्मोनेल। कोर पल्मोनेल क्या होता है बेटा, बेसिकली कोर पल्मोनेल में ये होता है कि आपका पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, जो लंग की वेसल्स होती हैं वो उनकी उनके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से राइट हार्ट फेलियर होना शुरू होता है, और फिर राइट हार्ट फेलियर वाले सारे सिम्टम्स आते हैं। बेटा जो कह रहे हैं ना स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में, वो सारे वेटिंग रूम में से आ चुके हैं अंदर, और मैं उनको ऐड करता जा रहा हूँ स्लोली स्लोली। अच्छा, सो दिस इज अ फ्लो वॉल्यूम कर्व, और इस फ्लो वॉल्यूम कर्व के मुताबिक जो है वो आपको पता चल सकता है कि कितनी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, कहाँ पे हो रही है। स्मॉल एयरवेज नॉर्मल ये है, स्मॉल एयरवेज की ऑब्स्ट्रक्शन में आपको यहाँ पे फ्लो का फर्क पता चलेगा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में यहाँ पे ऐसे हो जाएगी, मतलब देर आर डिफरेंट पैटर्न जिनकी वजह से आपको पता चल सकता है। अब ये देखो, अगर इसमें नॉर्मल ये है तो इसमें फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम थोड़ा कम होना चाहिए क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में, और रिस्ट्रिक्टिव डिजीज में भी कम होता है, लेकिन फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो है वो प्रोपोर्शनेटली कम हो रही है, वो बराबर रह रही है, ठीक है। खैर, ये इन इनके अंदर ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, बिकॉज ये थोड़ा सा आपके लेवल से ऊपर चली जाएगी बात, बट आपको अगर इसमें से दो पैटर्न्स फिगर आउट करने हैं तो एक ये वाला देख लो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज वाला, और एक रिस्ट्रिक्टिव डिजीज वाला, और इसको समझने के लिए ये वाली डायग्राम देखो। फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कम होगा, फोर्स वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो उसके हिसाब से ये कर्व जो है ये चेंज होगा इसकी, और इसको अगर पढ़ना हो तो इसके लिए 15-20 स्लाइड्स और होनी चाहिए जो सिर्फ इसको पढ़ाएं, लेकिन सिंस वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट सो आपको एक डायग्राम दिखा दिए जिससे आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, नॉर्मल स्पायरोग्राम कैसा होता है, नॉर्मल स्पायरोग्राम जिसमें FEV1 इतनी होती है और वो इस तरह होता है, ऑब्स्ट्रक्शन में FEV1 चूँकि कम हो जाती है तो स्पायरोग्राम इस तरह हो जाता है, रिस्ट्रिक्शन में FEV1 थोड़ी सी जो है वो या ज़्यादा होती है उतनी रहती है,
FE1 उसमें भी कम होती है, लेकिन इट इज़ रिलेटिव डिक्रीज रिलेटिव टू फोर्स वाइडल कैपेसिटी. तो उसमें जो है कर्व जो है वो इस तरह का नज़र आना शुरू हो जाता है. बहरहाल ये स्पायरोग्राम्स से ज़्यादा, जब जो लोग रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बनते हैं उनके लिए ये स्पायरोग्राम्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आप पैथोलॉजी के लिहाज से देखना चाहते हो तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ और रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ वाले जो डायग्राम्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. बट आपको FEV1 और FVC का पता होना चाहिए. सो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो है कहाँ है, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है. सो फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम कम हो रहा है लेकिन फोर्स वाइटल कैपेसिटी उतनी ही रह रही है या थोड़ी ज़्यादा हो रही है, ठीक है. और यहाँ पे फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम और फोर्स वाइटल कैपेसिटी दोनों बराबर इक्वली कम हो रहे हैं, ठीक है. एनीवेज अब हम देखते हैं इस ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ की बीमारियों की पैथोलॉजी अलग अलग अलग. एजमा में क्या होता है, एजमा में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है और स्पैजमेटिक ओक्लूजन होती है, यानी कि बार बार किसी एलर्जी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, या कोई इमोशनल स्ट्रेस वगैरह की वजह से, या नर्व डैमेज की वजह से जो जो स्मूथ मसल्स होते हैं ब्रोंकाई के अंदर वो स्पैज्म करते हैं, ठीक है. और फिर जो म्यूकस होती है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, उनके स्पैज्म की वजह से ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाती है, यानी कि ब्रोंकियल एयरवेज छोटे हो जाते हैं. सो इन्फ्लेमेशन की वजह से इरिटेंट्स हों, टेम्परेचर चेंज, एक्सरसाइज, कोल्ड एयर, स्ट्रेस, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स, और कुछ मेडिकेशन, टोबैको, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, फूड एडिटिव्स वगैरह जो एलर्जन होते हैं उनकी वजह से ये अटैक हो सकता है. एजमा अटैक कहते हैं जिसमें एक्यूट एग्जैसरबेशन होता है, मतलब एजमा इतना ज़्यादा हो जाए कि सांस लेना ही मुश्किल हो जाए, दैट इज़ काइंड ऑफ एन एमरजेंसी, उसे एजमा अटैक कहते हैं. यानी जिसे कहते हैं दमे का दौरा पड़ा, ठीक है. साइन सिम्टम्स में डिस्निया, वीजिंग, हवा के लिए आप कोशिश कर रहे हैं जितनी आपको मिल सके, कफ होगी, इसके अंदर स्पूटम होगी, साइनोसिस हो सकता है, टैकीकार्डिया और चेस्ट पेन हो सकती है इसके साइन सिम्टम्स में. अच्छा एक और इसकी पिक्चर आप देख लो कि क्या हो रहा है. नॉर्मली एयरवे इस तरह से स्मूथ मसल, इसका बिल्कुल जो है वो उसका हाइपरप्लेजिया वगैरह नहीं है, ल्यूमिन इसकी बिल्कुल खुली हुई है, डायरेक्ट हुई है. जब स्मूथ मसल हाइपरप्लेजिया हुआ और म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होने शुरू हुई तो जो एयरवे है वो छोटा हो गया, दैट इज़ व्हाट हैपेंस. सो बेसिकली एक एंटीजन आएगा या एलर्जन आएगा बाहर से, वो इम्यून सिस्टम के सेल्स को एक्टिवेट करेगा, वो जाके म्यूकस प्रोडक्शन इंक्रीज करवाएंगे, म्यूकस प्रोडक्शन से फिर कीमोकाइंस एक्टिवेट होंगे, उससे इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन के अलावा और भी इम्यून मीडिएटेड जो इंटरल्यूकिंस हैं वो आके इसके ऊपर इन्फ्लेमेटरी एक्शन करना शुरू करेंगे इन एयरवेज के ऊपर, और मास सेल से फिर एलर्जी जो है वो जो एलर्जन के अंदर इम्पॉर्टेंट होते हैं, मास सेल जो है वो रिलीज करके एलर्जेंस देगा. अच्छा सो मास सेल आर इम्पॉर्टेंट फॉर रिलीजिंग केमिकल्स दैट कॉज एलर्जी, ठीक है. सो इसलिए यहाँ पे मास सेल्स आ रहे हैं. सो तीन चार चीज़ें जो इसके अंदर हो रही है, एक इन्फ्लेमेशन हो रही है, दूसरी म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, और तीसरी जो है वो स्मूथ मसल हाइपरप्लेजिया हो रहा है. सो स्मूथ मसल जो है वो ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो जाएगा. फिर उसके बाद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है ब्रोंकाई की ड्यू टू स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन, और इसके अंदर स्पूटम वाली कफ होती है, अगेन डिस्निया, वीजिंग, पेन, और फीवर होता है बिकॉज दे आर इन्फेक्शन इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, और फिर फटीग और मलेज वगैरह इसके साथ होती है. क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में स्मोकिंग क्या करती है, स्मोकिंग एक तो सिलरी मूवमेंट जो सीलिया होते हैं इन एयरवेज के ऊपर, ये जो सीलिया है इनकी मूवमेंट को ख़राब कर देती है, इनहिबिट कर देती है. फिर एल्वियोलाई के जो मैक्रोफेजेस होते हैं उनका फंक्शन इनहिबिट हो जाता है, और फिर म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं वो उनकी हाइपरट्रॉफी होती है, और स्मूथ मसल जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इसके अंदर अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन वगैरह और जो भी पोल्यूटेंट्स हैं वो सारे के सारे ये करते हैं. सो अगेन इसके अंदर भी सिलरी मूवमेंट की डिस्ट्रक्शन के अलावा एल्वियोलाई मैक्रोफेजेस का फंक्शन भी इनहिबिट होता है, और फिर म्यूकस इसके अंदर ज़्यादा होती है. ज़्यादा अब आप सोचोगे कि एस्मा के अंदर भी म्यूकस ज़्यादा हो रही है, इसके अंदर भी म्यूकस ज़्यादा हो रही है,
वो हो रही है, लेकिन जो ज्यादा म्यूकस सबसे ज्यादा होती है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में ज्यादा होती है। एजमा के अंदर इतनी म्यूकस ज्यादा नहीं होती, उसके अंदर और चीजें भी होती हैं साथ में, इन्फ्लेमेशन होती है जैसे मिसाल के तौर पे, और इसके अलावा स्मूथ मसल हाइपरप्लेजिया होता है। एम्फाइजीमा में अगेन एयर स्पेस की एनलार्जमेंट होती है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर सेप्टम वगैरह, ठीक है, तो उसकी वजह से जो टर्मिनल ब्रोंकियोल के आगे जो सा एयर स्पेस है या एयर सैक है उसकी एनलार्जमेंट होनी शुरू हो जाती है, और इसके अंदर ऑब्वियसली फाइब्रोसिस होता है, इवेंचुअली इलास्टिसिटी कम होती जाती है और एल्वियोलाई जो है वो रप्चर कर जाते हैं। दो तीन तरह के एम्फिसीमा होते हैं, पैन एसिनर, सेंट्रो एसिनर। एसिना का मतलब है जो एक एयर सैक है या एक एयर कैविटी है। सो जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से आगे एल्वियोलाई तक जो पूरे का पूरा रेस्पिरेटरी एसिनस है वो पैन एसिनर, पैन का मतलब पूरा का पूरा, तो पैन एसिनर वो पूरे का पूरा जो है वो एक्सपैंड कर जाता है। ज़्यादातर ये लोअर लोब्स में होता है, और ये होता है ड्यू टू जेनेटिक रीजंस, और इसके अंदर अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होती है। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन क्या करता है ये मैं आपको आगे स्लाइड से बताऊंगा। सेंट्रो एसिनर क्या होता है, सेंट्रो एसिनर का मतलब है कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से आगे एल्वियोलाई तक का एरिया है उसका जो सेंट्रल पार्ट है और शुरू का जो पार्ट है वो एक्सपैंड करता है, जो एंड पे जो एल्वियोलाई है वो एक्सपैंड नहीं करते, वो नहीं फूलते, वो वैसे ही रहते हैं, लेकिन बीच का एरिया जो है वो सेंटर का एरिया वो फूल जाता है। पैन एसिनर में जो सारा कुछ डायलेट हो रहा है ये अपर लोब्स में ज़्यादा होता है, पैन एसिनर लोअर लोब्स में होता है, और ये ज़्यादातर स्मोकर्स में होता है यानी कि एक्वायर्ड है। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है वो बेसिकली जिनेटिक है। तो एम्फाइसीमा किस किस तरह का होता है, इनहेरिटेड जिसके अंदर अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी है, एक्वायर्ड जो सिगरेट पीने से पोल्यूशन वगैरह की वजह से होता है। साइन सिम्टम्स में क्या होते हैं, डिस्निया, एग्जर्शन पे वीजिंग, कफिंग, पर्स लिप्स। आप अपने लिप्स को ऐसे कर लेते जैसे आप सीटी बजाते हुए अपने लिप्स को नहीं करते ताकि वेंटिलेशन आसानी से हो। राइट हार्ट फेलियर यानी कोर पल्मोनरी वगैरह हो जाता है। हाइपोक्सिया और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। हाइपोक्सिया का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन कम हो जाती है, मतलब आप जब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप होना शुरू हो जाता है ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है, और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होना शुरू हो जाता है। ये आपको पता होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों होता है, होपफुली बताओ, अगर नहीं बताओ आगे आरटीआई ब्लड गैसेस का टॉपिक मैं करवाता हूँ। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी का क्या चक्कर है बेटा, कुछ एंजाइम्स होते हैं इलास्टेज टाइप, वो डिस्ट्रॉय करते हैं एल्वियोलर टिश्यू। उन एंजाइम्स का बेसिकली काम होता है कि हार्मफुल बैक्टीरिया को उन्होंने मारना होता है। न्यूट्रोफिल से एक एंजाइम निकलता है इलास्टेज के नाम से, वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने हार्मफुल जो सेल्स हैं उन्होंने हार्मफुल बैक्टीरिया को मारना होता है। लेकिन अगर ये लंग्स में चले जाए, ये लिवर से प्रोड्यूस हो रहे हैं सेल्स और उनके अंदर अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस हो रही है लिवर के अंदर की जो सेल्स हैं, और ब्लड सेल्स जो हैं वो न्यूट्रोफिल इलास्टेज निकाल रहे हैं। इलास्टेज नॉर्मली बैक्टीरिया को मारना है, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन जो है इलास्टेज हर जगह पहुँचेगी, लंग्स में भी बाकी जगह भी। अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन एक वो चीज़ है जिसने लंग्स को इस इलास्टेज से रोकना है, क्योंकि इलास्टेज वहाँ पे लंग्स के टिश्यू को डैमेज कर सकती है ये समझ के कि ये कोई और चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर जब अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन कम होती है तो फिर मसले होते हैं, स्मोकिंग वगैरह साथ में हो ज़्यादातर, तो फिर जल्द अज जल्द उस इंसान को एम्फिसीमा डेवलप हो जाएगा। सो क्या होता है अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में, इलास्टेज तो बनता जा रहा है और वो जब लंग्स में जाता है तो उसको लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाली अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन की जो कोटिंग हुई होती है वो ख़त्म हो जाती है। जब वो कोटिंग नहीं है वहाँ पर तो इलास्टेज ने बैठ के उसको डैमेज करना शुरू कर देना है और उसने तोड़ना शुरू कर देना है, और स्लोली 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 जो नॉर्मल एल्वियोलाई जिनके बीच में वॉल्स थी एल्वियोलस की वो टूटना शुरू हो जाती हैं, एल्वियोलाई बड़े हो जाते हैं और फिर इस तरह से एयर ट्रैप होना शुरू हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। सो सीओपीडी क्या है, सीओपीडी में बेसिकली ज़्यादातर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा और एजमा होते हैं, इन तीनों को मिला के जो है वो सीओपीडी बनती है, या सीओपीडी के अंदर ये तीन डिजीज हैं। सीओपीडी के अंदर बेसिकली देर इज ऑब्स्ट्रक्शन, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सो देर इज ऑब्स्ट्रक्शन टू एयर फ्लो, ठीक है, विच कैन बी ड्यू टू क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फिसीमा, और ज़्यादातर इसके अंदर एयर फ्लो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है और थोड़ा थोड़ा ही रिवर्सिबल होता है। कभी कभार इसके अंदर हम एजमा भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन एजमा को जनरली अलग ट्रीट किया जाता है, उसको सीओपीडी का पार्ट नहीं समझा जाता, एक्सेप्ट इन सर्टन ओकेजंस। यस, स्मोकिंग जो है वो सबसे बड़ा कॉज है सीओपीडी का। फिर उसके अलावा ऑक्यूपेशन एक्सपोजर, कोल, गोल्ड माइनिंग, सिलिकोसिस वगैरह, पोल्यूशन जैसे भी हो सकती है। जेनेटिकल कॉजेज में अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी आ जाती है,
इसके अलावा एजमा का, एजमा की वजह से भी ट्रिगर हो सकता है। एजमा जिसको होता है बहुत ज़्यादा, उसको सीओपीडी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन एजमा इटसेल्फ सीओपीडी नहीं है, याद रखिएगा। फिर इसके अलावा बार बार अगर लंग इन्फेक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, और फिर उसकी वजह से ब्रोंकियेक्टेसिस भी हो जाता है इवेंचुअली। और सीओपीडी ऑटो इम्यून डिजीज की फॉर्म में हो सकता है, अगर ऑटो एंटीबॉडीज या ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स आके डैमेज करना शुरू कर दें वॉल्स ऑफ रेस्पिरेटरी एयरवे को, रेस्पिरेटरी बात को। पैथोजेनेसिस क्या है? बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल्स और मैक्रोफेजेस इलास्टेज प्रोड्यूस करते हैं, इलास्टेज जो है वो फिर लंग्स को डिस्ट्रक्ट करती है। और इसके अलावा सिगरेट वगैरह जब आप पीते हैं तो उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है, तो ऑक्सीडेंट्स जो है वो बेसिकली फेगोसाइट वो एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस कर देते हैं फेगोसाइटोसिस के थ्रू, और जितने भी सेल्स एक्सपोज हो रहे हो उनको उनको आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि क्या हो रहा है। सो एम्फिसीमा का एक सेंट्रल एसिनार पैन एसिनार तो आपको बता दिया था, एक डिस्टल एसिनार पैटर्न भी होता है जिसमें एंड के जो एल्वियोलर सैक और एल्वियोलर डक्ट्स होती हैं वहाँ पर जाके मसला होता है, ना ना सेंटर में ना पूरे का पूरा, ठीक है। तो वो फिर इवेंचुअली वो जब टूटते हैं सारे के सारे एल्वियोलर सैक्स के बीच में जो वॉल्स होती हैं वो फिर इवेंचुअली बुला बनाती हैं, यानी कि एक्सपेंडेड एयर स्पेस, छोटा सा लंग के अंदर डायलेटेड एयर स्पेस, उसको बुला कहते हैं। और फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अगर बुला बन जाए तो न्यूमोथोरिक्स भी हो सकता है, ठीक है। और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का आपको पता है कि उसके अंदर म्यूकस ग्लैंड लार्ज होते हैं और सिलियरी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, और बार 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 इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे म्यूकस जो है वो आके जमा होना शुरू हो जाती है, और म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो भी ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ पे। सिम्टम्स अगेन वही हैं जो सारों के हैं, वेट लॉस एनोरेक्सिया, इसके अलावा और भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे भी हमने हाइपॉक्सिया पढ़ा था, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ा था, और इसके अलावा कोरपल अगेन वही चीज़ है, राइट हार्ट फेलियर या राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से पेरिफेरल एडिमा भी हो सकता है, और टकीपनिया यानी कि इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट। रिस्क फैक्टर्स स्मोकिंग, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, फिजिकल एग्जाम, ये तो आपको पता है कि सिगरेट पीने से मसले होते हैं तो छुट्टे ना लाया करो। फिजिकल एग्जाम, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, और ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो कम हो जाती है। जनरल एग्जाम करके देखोगे तो बैरल चेस्ट होती है, मतलब एक्सेसरी मसल यूज़ कर रहा होता है बंदा, चेस्ट बैरल शेप हो जाती है, रेस्पिरेशन में हेल्प लेने के लिए एक्सेसरी मसल यूज़ करने पड़ते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट साउंड्स कम हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रेथ साउंड्स आपको कम महसूस होंगी, और लंग से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आएंगी, ठीक है। लैब अगर आप करके देखोगे तो सीबीसी पे, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट पे, हीमेटोक्रेट और हीमोग्लोबिन इंक्रीज हुई होगी। आर्टीरियल ब्लड गैस करके देखोगे तो पीएच डिक्रीज होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा, विच मीन्स कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, और केमिकल टेस्ट पे बायोकार्बोनेट ज़्यादा होगी, विच इज़ टू कम्पेंसेट फॉर दिस रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस करवाने की कोशिश कर रहा होगा, कम्पनसेटरी, बट उससे कोई फ़ायदा ऐसा नहीं होता, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ज़्यादा हुआ होता है। अच्छा, ये हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रेट क्यों ज़्यादा हो जाता है? जो इसको कहते हैं सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया का मतलब ब्लड के जो सेल्स हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए। सेकेंडरी क्यों होता है? होता ये है कि जब क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया होता है, यानी कि सीओपीडी के अंदर नई नई ऑक्सीजन अंदर नहीं आ रही, सही तरह से डिफ्यूज नहीं हो पा रही, तो ऑक्सीजन कम हो गई। जब ऑक्सीजन कम हो गई तो ब्लड क्या करता है, उसको कंपेंसेट करने की कोशिश करता है। ब्लड कहता है कि अच्छा ऑक्सीजन, ब्लड ने क्या करना है, ऑक्सीजन लेके जाना है ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करके लेके जा रही होती है। सो वो कहता है अच्छा ऑक्सीजन कम हो गई है तो लेट मी ट्राई एंड मेक मोर ब्लड या मोर हीमोग्लोबिन। सो आपको पता है एरिथ्रोपोएटिन जो है वो किडनी से बनती है, सो किडनीज को सिग्नल जाता है और किडनी कहते हैं अच्छा मुझे एरिथ्रोपोएटिन और बनानी चाहिए, तो एरिथ्रोपोएटिन और बनाती है, और इसकी वजह से स्लोली स्लोली हीमोग्लोबिन और हेमाटोक्रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो 52% ज़्यादा होता है मेल्स में और 47% ज़्यादा होता है फीमेल्स में। और अगर हेमाटोक्रेट इंक्रीज हुआ है अलॉन्ग विद दीज क्लिनिकल पिक्चर्स जो आपको अभी मैंने दिखाई है, तो आप सोच सकते हैं कि प्रॉबेबली ये जो है ये सीओपीडी है। अच्छा, इसके अलावा अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन लेवल मेयर करके आपको बता सकता है, चेस्ट एक्सरे आपको उस पर हाइपर इन्फ्लेशन नज़र आएगी, मतलब लंग जोर से ज़्यादा फूला हुआ नज़र आएगा, और उसके अलावा सीटी स्कैन पे आपको बुले नज़र आएंगे, बुले का मतलब लार्ज एयर स्पेसेस इन द लंग्स, फिर सीटी स्कैन पे आपको एकदम से बड़े बड़े एयर स्पेसेस नज़र आएंगे विद नो वॉल्स इन बिटवीन। अच्छा, इसके अलावा क्या है डायग्नोसिस का तरीका, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग फंक्शन टेस्ट, उसमें आपने
फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम देखना है और फोर्स वाइटल कैपेसिटी देखनी है और उनका रेशियो देखना है। और टोटल लंग कैपेसिटी, फोर्स रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी देखोगे तो वो इंक्रीज हुई होगी। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में ये सारी डिक्रीज हो जाती है। फिर ट्रीटमेंट कैसे होती है? ट्रीटमेंट में स्मोकिंग बंद करवाओ, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करें, और इसके अलावा एंटी कोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करें, बीटा एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर यूज़ करो, मिथाइल जेंथीन यूज़ करो, उनका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट होता है, ठीक है, ब्रोंकोडायलेशन करता है। और एडवर्स इफेक्ट्स में ऑब्वियसली उसका इंक्रीज हार्ट रेट, अरिथमिया, सीजर्स, इंसॉम्निया, ट्रेमर्स, एंग्जाइटी होती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप इनहेल करवा सकते हैं, और लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मिला के दे सकते हैं, इनहेल करवा सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी करवा दे सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी, कंटिन्यूस ऑक्सीजन थेरेपी करवाते हैं तो उसकी वजह से मॉर्टेलिटी जो है वो कम हो जाती है। और इसके अलावा जो है वो ब्लैक्टमी आप सर्जरी में करवा सकते हैं। पर्मनेंट रिहैबिलिटेशन मतलब उसकी एक्सरसाइज वगैरह उसको ज़्यादा बता सकते हैं, ठीक है, और उसकी स्पेशल एक्सरसाइज होती है जिसकी वजह से उसका लंग फंक्शन थोड़ा बेहतर होता है, इम्प्रूव होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। और ब्लैक्टमी में जो बुला बने होते हैं एनलार्ज एयर स्पेसिस, उनको काट के आप निकाल सकते हैं। वो एनलार्ज एयर स्पेसिस बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे एयर ट्रैप होना शुरू हो जाती है। सो अगर ये लंग है ना इस तरह से, ठीक है, सो इस पे यहाँ पे एयर स्पेस बनता जा रहा है एनलार्ज एयर स्पेस, ये बुले होते हैं। ये जो बुले जब जमा हो जाते हैं इनका यहाँ तक जो है वो एयर वे का कोई एक्सेस नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, ये एनलार्ज एयर स्पेस लंग के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर रहा होता है। तो क्या करते हैं, इस बुले को पूरे को आप रिमूव कर सकते हैं सर्जरी करके, दैट इज ब्लैक्टमी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। इसके अलावा लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी कर सकते हैं, थोड़ी निमोनेक्टमी कर सकते हैं जहाँ जहाँ ये मसले हो रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और इसके अलावा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बट इट इज़ डिफिकल्ट, आसानी से डोनर वगैरह नहीं मिल सकता। अच्छा, सीओपीडी की स्टेजेस क्या होती हैं? स्टेजेस जो हैं उसके अंदर, ये स्टेजेस क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, ये मेडिसिन का नॉलेज है बेसिकली, ये पैथोलॉजी का नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसलिए समझा रहा हूँ कि आपने जब ट्रीटमेंट करनी होती है ना तो गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है कि कौन सी दवाई देनी है। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट में तो सारी दवाइयाँ आपको पता चल रही हैं, जब आप फार्मा में पढ़ते होगे तो आपको सारी दवाइयाँ पता चलता होगा, ये भी उसके लिए, ये भी उसके लिए, ये भी उसके लिए, लेकिन आपने डिवाइड कर देना होता है सिवियरिटी के लिहाज से। तो जिस सिवियरिटी के लिहाज से जितनी सिवियरिटी है उस लिहाज से फिर उसको ट्रीटमेंट देनी है। रिस्क वाला है तो उसको स्मोकिंग सेसेशन का बताना है और उसको वैक्सीन वगैरह लगानी है ताकि इसका लंग जो है वो डैमेज ना हो लंग वाले डिजीजेस से, ठीक है। तो उसमें एफ यू वन और एफ ई सी रेशियो 0.7 से ज़्यादा होती है। जब 0.7 से कम हो, एफ ई वन परसेंट 80 से ज़्यादा हो तो वो माइल्ड है, 50 to 80 हो तो मॉडरेट है, सीवियर 30 to 50, वेरी सीवियर लेस दैन 30। सो मॉडरेट में, माइल्ड में आपने शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर देना है, मॉडरेट में उसके साथ आपने लॉन्ग एक्टिंग ऐड कर दो और पल्मोनरी रिहैब ऐड कर दो, एक्सरसाइज वगैरह सिखाओ। सीवियर में इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दो, और वेरी सीवियर हो तो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ती है और फिर सर्जरी के बारे में सोचना पड़ता है। सो क्या क्या चीज़ें आपने समझनी है? स्मोकिंग 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 रुकवाओ। सीओपीडीज में अगर बार बार सीओपीडी हो रहा है तो अगर एंटीबायोटिक्स दे सकते हो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वगैरह में इन्फेक्शन रोकने के लिए तो दो, स्टीरॉइड ट्रीटमेंट करनी पड़े तो करो, और अगर बिल्कुल कुछ सही नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन दो, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है इसको हम ज़्यादा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ अभी आपको इतना बता देता हूँ कि इन्फ्लेमेशन या स्कारिंग की वजह से होता है और इसके अंदर जो एयरवे स्पेसेस हैं वो एक डेबरी वगैरह से भर जाते हैं। सो इन्फ्लेमेशन और स्कारिंग वाला इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होता है, डेबरी वाला जो है वो निमोनाइटिस होता है। और फिर आगे उनको और क्लासीफाई किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर कि वो कहाँ से मसला हो रहा है। दो तरह के मसले हो सकते हैं, या तो लंग के अंदर मसला हो रहा है या लंग के बाहर से रिस्ट्रिक्शन हो रही है, प्लूरा की वजह से, चेस्ट वॉल की वजह से, या नर्व्स और मसल्स डैमेज हो रहे हैं। सो इंट्रिंसिक कॉजेज तो आपको मैंने बता दी है, निमोनाइटिस वगैरह जो कि ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है। एक एक्सट्रिंसिक है जिसमें वॉल डैमेज हो रही है, प्लूरा डैमेज हो रहा है, रेस्पिरेटरी मसल्स डैमेज हो रहे हैं, तो वो मस्कुलर कॉजेज हो सकते हैं या नर्व के कॉजेज हो सकते हैं। सो इंट्रिंसिक लंग डिजीज में क्या होता है, लंग वॉल्यूम डिक्रीज होता है सारे के सारे, इलास्टिक रिकॉयल जो है वो ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी कम होती है, एक्सपिरेटरी एयर फ्लो जो है वो कम हो जाता है, और हाइपोक्सीमिया होता है अगेन क्योंकि वेंटिलेशन और परफ्यूजन सही तरह से नहीं हो रही, और फिर उसकी वजह से इवेंचुअली हाइपर वेंटिलेशन होती है ताकि वो ज़्यादा अच्छी तरह से ऑक्सीजन अंदर ले सकें, लेकिन उससे और मसले होते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा डिटेल में करेंगे, आपको सिर्फ अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक्सट्रिंसिक जो बाहर से मसले होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरा, थोरैसिक केज, और उसकी वजह से लंग एक्सपैंड नहीं कर पा रहा, उसके मसले हो रहे हैं। तो जब लंग एक्सपैंड नहीं करवा रहा तो रिस्ट्रिक्शन हो रही है, और फिर एटिलेक्टिसिस हो रहा है, यानी कि लंग जो है वो क्लैप्स कर रहा है, क्लैप्स करने की वजह से फिर वेंटिलेशन सही तरह से नहीं हो रही, तो फिर ऑक्सीजन कम हो रही है, और फिर उसकी वजह से इवेंचुअली
रिस्ट्रिक्टिव डिजीज पूरा पैटर्न आ जाता है जो आपको FEV1 और FVC के बारे में बताया था, ठीक है, और वेंटिलेटरी डिसफंक्शन हो जाता है। सो ये सारे का सारा नॉलेज है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का, जिसको आप अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लीजिएगा और फिर इसके बारे में हम बात करेंगे ज़्यादा नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज करेंगे। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज वाला लेक्चर करने के बाद आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। सो अभी तक हमने डर्मा किया है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम किया है, ब्लड किया है और रेस्पिरेटरी सिस्टम किया है, और ये जो तीन सिस्टम्स हैं, चार सिस्टम जो हैं, इनका आपका क्विज होगा, ठीक है। इसके बाद रीनल सिस्टम होगा और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, और एक और सिस्टम है, तीन सिस्टम और आ जाएंगे इसके बाद, ठीक है। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, यू हैव 5 मोर मिनट्स। सर 8 लेक्चर्स का क्विज होगा ना? जी, दिस इज द 7th लेक्चर। क्विज के लेक्चर जो आपको मैंने मेल की हुई है उसके अंदर ऐड होते जाएंगे, वो जितने भी आ जाएंगे उसके अंदर उसका क्विज होगा, वहां पे देख लेना प्ले लिस्ट के ऊपर। और भी क्वेश्चन? नहीं, चलो ठीक है बेटा, फिर लेट मी एंड द क्लास। सर क्विज का टाइम एंड डे बताया हुआ है, 4 जून शाम का टाइम। सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे क्विज में? सारे जो किए हैं, मैंने बताया हुआ है कि जो उसके अंदर एजिंग वगैरह, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो नहीं मैं पूछूंगा, जो बीमारियां हैं उनके बारे में ज्यादा पूछूंगा। नॉर्मल फिजियोलॉजी और एजिंग फैक्टर्स आपको समझाने के लिए बताया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर लंग वॉल्यूम है, इनके बारे में आपसे नहीं पूछूंगा। लेकिन ये जो FVC और FEV1 है जिसका ज़्यादा काम है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग और रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, इसके बारे में पूछूंगा। इसको समझने के लिए आपके अपने तौर पे आपको इसका पता होना चाहिए, सो इसलिए ये स्लाइड्स ऐड की जाती हैं फिजियोलॉजी वाली नॉर्मल, लेकिन इनके बारे में एग्जाम और क्विज में नहीं आएगा। एग्जाम और क्विज टाइमिंग 15 to 20 मिनट्स होंगे, मॉर्निंग में, इवनिंग में? इवनिंग में। और सर MCQs बेस्ड होगा या शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे? MCQs, MCQs, MCQs। ओके सर। सर यूनिवर्सिटीज खुल रही है 7 को? प्रोबेबली बेटा, पता चल जाएगा एक आध दिन में, इन्होंने आज शायद इनकी मीटिंग होनी है, उसके बाद पता चल जाएगा। जी ठीक है सर। चले ठीक है बेटा, we are done with today's lecture. I'll see you in the next one. Allah Hafiz. Allah Hafiz.